राम राम, नमस्ते जी। आज मैं एक खास वीडियो डाल रही हूँ, छोटी सी, तो इसको देखना जरूर, पूरी देखना, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन यानी एक त्योहार के बारे में बता रही हूँ, कनाडा के त्योहार के बारे में। क्योंकि भारतीय त्योहार और अपने प्रांत के और हरियाणा के तो हम सबको पता ही है, लेकिन बाहर के भी पता होना चाहिए थोड़े बहुत। तो नहीं तो भाई कदे किसी ने विदेश में आना पड़ जाए तो न्यू कह देंगे मैडम कि मैं तो बता देते जी, हमने तो क्या ही का कोनी बेरा। क्योंकि अपने त्योहारों का तो हमें पता ही है, लेकिन दूसरों का भी पता हो ताकि आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें। तो कल था एक त्योहार हेलोविन। अब हमारे तो हरियाणा डे था और इत्तफाक से यहाँ हेलोविन था। तो मैं देख रही थी कई दिनों से, जैसे बाहर घूमने जाते तो बाहर घरों के आगे ऐसे मुखौटे लगे हुए थे, और एक वो होते हैं ना जैसे स्केल्टन से उनपे कपड़े पहना देते हैं, या खेतों में हम डराप्पा खड़ा कर देते हैं, तो पार्कों में घर के आगे ऐसे सजा रखे थे। तो मैंने कहा एक आगे बच्चों को, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं अभी हैलोवीन आने वाला है, 31 अक्टूबर को हैलोवीन होता है। मैंने कहा वो क्या होता है? बोला वो जो पुराने जो मरे हुए लोग होते हैं ना उनके उसमें के लिए कोई त्योहार है ये, ऐसा कि उनके लिए मनाते हैं उस दिन, बाहर घर में अपने लाइटें भी लगाते हैं, सजाते हैं, और टॉफी चॉकलेट और ये जो स्नैक्स होते हैं बच्चों के ये इकट्ठे कर लेते हैं, ले आते हैं मार्केट से, और बच्चे जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो यो तो एक अपने जिस तरह श्राद्ध कराया करें, भाई बुजुर्ग हमारे गए हुए हैं जो उनके हम श्राद्धों के दिनों में श्राद्ध करते हैं, भाई इस दिन दादे का है, इस दिन दादी का है। बोली हाँ तो यही समझ लो चलो। तो मैंने कहा अच्छा, फिर ये टॉफियां टूफियां ये किस लिए? ये बोली ये बच्चे ना कल सब 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इकट्ठे होके घर घर जाएंगे मांगने के लिए, और वो उनको देंगे। अच्छा, मैंने कहा यो तो फिर हम बहुत छोटे थे जब लोहड़ी का एक त्योहार होया करता भाई पंजाब में, तो हम भी लोहड़ी मांगने जाते थे। कोई पैसे देता था, कोई मूंगफली रेवड़ी देता था, कोई तो गोसे और लकड़ी दे दिया करता भी लोहड़ी जलाने के लिए। बोली हाँ यही सोच लो चलो। तो मैंने कहा अच्छा, तो कल ऐसा हुआ कि कहने लगी इसने, बच्चों ने ये देखो ड्रेस ले ले रखी, हेलोविन की ड्रेस होती है इनकी, पता नहीं कोई मुखौटा पहन लेता कोई कुछ, और ये घर घर जाते हैं और जाके क्या मांगते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट ऐसे बोलना है जाके, और वो उनको बच्चों को दे देते हैं और जाके घंटी बजाते हैं। उस घर की घंटी बजाएंगे मांगेंगे जिस घर में लाइटें लगी होंगी या जिस घर की लाइटें जल रही होंगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पंजाब हम तो लोहड़ी मांगने जाते थे मना भी कर देते थे, कहीं नहीं भी डालते थे, गुस्सा करते, कहती नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो, अब बच्चे हमारे भी कल चले गए मांगने के लिए। तो मैंने कहा भाई तुम लेके तो जा रहे हो इनको, अब घर में मैं अकेली, मल्हान साहब घूमने गए हुए। तो कहने लगी मम्मी हमारे घर भी आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसने इतनी सारी टॉफियां चॉकलेट मुझे एक बॉल में डाल के दे दी, कहती जो भी आएगा घंटी बजाए वो आपको कहेगा ट्रिक और ट्रीट। मैंने कहा अच्छा, बस आप हैप्पी हेलोविन करके और उनको दे देना जितने। मैंने कहा कितने को कितनी देनी है? बोली जितने बच्चे आए सबको दो दो तीन तीन दे देना। तो मैंने कहा अगर इकट्ठे आए? नहीं। बोली नहीं, सब अपने अपने थैले लेके आएंगे और उसमें आप दे देना। और हमारे बच्चे भी गए देखो, और इतने इतने लेके आए हैं सारे, एक एक बच्चा के इनका पूरे साल का त्योहार हो गया। तो मल्हान साहब घूमने गए हुए थे, अब हमारे घर भी आए, घंटी बजाई जी, घंटी बजाई। तो मैंने खोला दरवाजा, बच्चों ने, मल्हान साहब ने दरवाजा खोला, मैं अंदर थी, तो मल्हान साहब को नहीं पता था क्या बोलना क्या करना। तो उन्होंने कहा जी ट्रिक और ट्रीट। मल्हान साहब बोले हाँ हेलो हेलो हेलो। तो वो मेरे को बोले मैडम आना एक बार, मैं आई, इतने में तो दरवाजा बंद कर लिया इन्होंने और वो वापिस चले गए। मैं तो भागी उनके पीछे लेके, अरे मैंने कहा ऐसे नहीं करना था, आपने यो के कर दिया। मैंने कह देंगे अच्छा मोह लड़ बंदा है। बोले के करना था? मैं बोली इन्होंने क्या बोला? बोले मेरा निके कहा थे? मैं बोली इन्होंने कहा होगा ट्रिक और ट्रीट और हैप्पी हेलोविन कह के, और ये टॉफी देनी थी। फिर मैं लेके गई उनको, मैंने आवाज लगाई कमोन कमोन कमोन। तो वो दो बच्चे थे साथ में, उनके पेरेंट्स थे, क्योंकि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते यहाँ। तो मैंने उनको वो दी और बच्चे बड़े खुश हुए जी, हाँ खुश हो गए। मैंने भी कहा इनका सॉरी बेटा सॉरी बेटा। तो भाई ऐसा है ये त्योहार हैप्पी हेलोविन का,
और हमने भी सबको हैप्पी हैलोवीन बोला और बच्चे भी खूब सारे वो लेके आए। तो हैलोवीन और इसके बाद कहते हैं मेन त्योहार अब आएगा, अभी से उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। वो कौन सा त्योहार है? वो इनका है क्रिसमस का, और उसके बारे में फिर आपको बताएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।